पे कौन कौन मौजूद है। और बच्चों एक बात मैं और दोबारा अच्छे से बता देना चाहता हूँ दूसरी तरीके से, कि जो बंदा तुम्हारे सामने अभी आके खड़ा होने वाला है वो एक दिन बिल्कुल तुम्हारी स्थिति में था। जैसे आज तुमसे अगर नहीं बन पा रहा है, सेंटेंस में गलती हो रही है, नहीं आ रहा है समझ में, तो एक दिन वो भी वैसा ही था। वो बात अलग है कि वो आज बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में आ गया है। तो आज आप जो देखने जा रहे हैं वो आप अपना फ्यूचर देखने जा रहे हैं। मतलब जिस तरह से आज वो बंदा आपसे इंग्लिश में बात करेगा, एक दिन आप भी वैसे ही इंग्लिश में बात कर पाओगे, माँ कसम। बोलो भारत माता की जय। बच्चे तुम लोग तो जो जबलपुर के वो तो इस बात को अच्छे से जानते हो कि यहाँ पे इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन हमारे सरो वाले और दूर दूर से जो बच्चे हैं, हमारे मुंह से बच्चे ही शब्द निकलता है, वो भी जबलपुरिया भाषा सीखते जा रहे हैं। और हाँ एक बात और मैं बताऊंगा, वो जो सीनियर आपके सामने आने वाले हैं उनके एक्सेंट को ध्यान दीजिएगा। जबलपुर सराफा, दीक्षितपुरा सराफा के मूल निवासी होने के बावजूद उन्होंने अपने एक्सेंट में इतना खूबसूरत मेहनत की है। एक्सेंट यानी बोलने का लहजा, लहजा यानी अगर आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करेंगे या अपना कैमरा बंद कर लेंगे तो आपको लगेगा शायद आप किसी अमेरिकन से बात कर रहे हैं या किसी क्राइस्टचर्च के बच्चे से बात कर रहे हैं। तो आप उनसे जरूर हिंदी में पूछिएगा, बिल्कुल निसंकोच पूछिएगा। जैसे यहाँ मैं प्रिया नाम देख रहा, प्रिया बेटा तुम निसंकोच माइक ऑन करके, वैसे अभी सब लोग अपना माइक ऑन रखना जब वो बोलते रहेंगे, इसमें सब लोग एक साथ नहीं बोल सकते। जो लोग पहली बार गूगल मीट ज्वाइन कर रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, आपको अपना माइक ऑफ रखना है। फिर जब आपकी इच्छा हो तो आप हल्का सा ऐसा हाथ उठाना, वो बोलेंगे हाँ आप पूछिए। यहाँ सबके नाम लिखे हुए हैं, कुछ के नाम एक्चुअली आधे आते हैं, जिनके नाम बड़े होते हैं तो ये गूगल मीट दो या चार लेटर बस देता। तो भैया आपका नाम बोलेंगे, फिर आप अपना माइक ऑन करके उनसे अपना सवाल कीजिए, ठीक है? निसंकोच पूछिएगा, हिंदी में पूछिएगा, वो अपने जवाब को इंग्लिश हिंदी दोनों में मिक्स करके देंगे। और अगर एक बार में कोई चीज समझ में ना आए तो बिल्कुल विनम्रता से आप कम अगेन बोलना बेटा। जो नए बच्चे हैं हम उनको बता रहे हैं, कम अगेन का मतलब होता है फिर से बोलिए। तो उनकी हाइट काफी ज्यादा है, हम इसको थोड़ा सा ऐसा कर दे रहे हैं। आप चाहो तो हम उनको इनवाइट कर रहे हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। आप चाहो तो दो तीन लोग अपना माइक ऑन करके पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिम कर सकते हैं। Hello guys, my name is Akshay Jain and I think this is an honor. I'm coming here and I'm meeting Jha sir. It's been around 14 to 15 years now. I am kept on coming and meeting him. He's always given me inspiration to go ahead in my career. So I think you are on the same stage where I was when I was in your seat. I think most probably you were thinking, you know, how you will be able to grab the English or the accent and everything. I will say definitely keep your own accent. Don't wear any accent right now because of some incidents or my work. I had to put on in my accent. So yes, for English, I can definitely give you some ideas how you can grow up and how can you grab those English verbs and you know, verbs and all. So I think if you have any other questions, you can just shoot up. Then we can start. So you can, anyone can say anything. You wanna ask me anything? You can go ahead. I can see Juhi ji, Poonam ji, Priya ji, KK ji. Hello, sir. Hi. Hello. I know you. I think we met once. I remember KK. You used to stay at sir's hostel, right? Yes. Yes, we have met here before.
Correct, correct. Great, great, great. Good to see you guys. So, yes, anyone want to ask any question to me, please shoot up. Firstly, tell me the meaning of your name. जिसका कोई इच्छा ही ना हो, ये नाम का मीनिंग है मेरे. Okay. Yes, yes. So please, you can ask in Hindi also. Don't be shy. Just speak up. You wanna ask any question? Just ask. What is your education qualification? Ma'am, I have done my MBA. Actually, I have done my graduation from Jabalpur itself. Then I have gone to Pune for an MBA. And yes, I'm working with a real estate company. It's a public listed company, one of the top 5 developers in India. So I'm working with them as a manager over here. You have done your graduation from Jabalpur only? Yes, yes. I have done my graduation from Jabalpur. And till graduation, I was studying in Hindi medium only. So all my graduations has been done in Hindi medium. So when did you join the English classes? Before graduation or after graduation? Before graduation. Actually, when I was just completing my 12th, that time I have joined Jasar. So between graduation, you have completed your English speaking class, na? Yes, yes, yes. Okay. I was there for around 6 to 7 months. When I joined my English classes. So in the time, actually when I completed my 12th, in the time of summers, I have joined, sir. So why did you do your graduation in Hindi, from Hindi medium? Ma'am, because main bachpan se Hindi medium se hi padha tha. You, that time you hadn't confidence to do your graduation from English? No, I did not have, because at the time of my graduation, I did not even know how to make sentences. So it was very difficult for me, or challenging for me, to just, you know, switch from Hindi medium to English medium. So it was impossible for me. So see, it's not like, it's not like what I have done. It's like what you can do, right? It's yes. Like, you know, it doesn't matter where you are starting from. It matters where you reach. So just don't think like, you know, what are your education past, whether you are in Hindi medium, English medium, which school you are from, which area you are from. If you ask me, I am from Maharashtra High School. If anyone is living in Mumbai, Jabalpur, they would know what Maharashtra High School is. So it doesn't matter you are, where you are from. It matters where you want to reach. So I always wanted to reach somewhere where I can actually proudly say what I am today, and what I can make my parents proud. So this is what I was just struggling for, and hopefully I am doing better now. So obviously there's always a stage to learn. I'm still learning. It's not about English, but I definitely, there are other manners and things which I'm still learning. And I think everyone learns, like, it doesn't matter what you, what age you are at. So definitely I can still tell you, आप चाहे जबलपुर से हो, चाहे नागपुर से, चाहे एनी अदर सिटी. एक्चुअली आई वाज जस्ट सिटिंग एंड लिसनिंग टू सर. सो आप जहां से भी हो, जिस भी माहौल में है, जिस स्कूल से पढ़े हैं, जिस क्लास में है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कहां से स्टार्ट किया है, आप कहां पहुंचना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, आपके घर में कोई बोलता नहीं है, आपको लोग बोलते हैं कि यार इंग्लिश झाड़ रहे हैं, बिकॉज अगर कोई जबलपुर से, तो उनको पता होगा ये बहुत कॉमन है. अपने ग्रुप्स में अगर बात करते हैं आप इंग्लिश में, तो लोग आपके फ्रेंड जरूर बोलते हैं इंग्लिश क्यों झाड़ रहे हो. तो बहुत, इट्स वेरी कॉमन फॉर एवरीवन. बट यहाँ से आपको बाहर निकलना है. आप कैसे बाहर निकलते हो, ये डिपेंड करता है आप अपने उस चीज को कितना पाना चाहते हो. मतलब द मोर यू वॉन्ट टू गेट समथिंग, द हार्डर यू वर्क. सो आई थिंक दिस इज वॉट यू शुड डू. इंग्लिश में डेफिनेटली आई थिंक यू शुड ऑलवेज लिसन टू सर वॉट ही इज सेइंग, बिकॉज उनका एक पूरा आई थिंक क्राइटेरिया एंड एक पूरा आई वुड से एक बनाया हुआ एक फॉर्म है. दिस इज वॉट यू हैव टू लर्न एट वॉट स्टेज. मतलब किस स्टेज में वो क्या पढ़ाएंगे और किस स्टेज में आपको क्या पढ़ना चाहिए, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इंग्लिश क्लास में. आपको वर्ब्स कहाँ पढ़ानी चाहिए और कितनी वर्ब्स पढ़ानी चाहिए, आपको सेंटेंसेस कहाँ पे बनाना स्टार्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, वो आपको उस हिसाब से सिखाएंगे. आप शायद बहुत सारे लोग आपके में से भी होंगे जो इंग्लिश में से, ऑब्वियसली उनको जानकारी पहले से होगी, तो उनको लगेगा यार ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, बट स्टिल आई विल से कि नहीं, आप उस चीज को अगेन थोड़ा
अच्छे से यू नो थोड़ा और इम्पोर्टेंस देके उसको पढ़िए एंड देखिए आपको कितना आगे उसको हेल्प मिलता है. एंड नेवर हेजिटेट टू टॉक एंड स्पीक इन इंग्लिश. आई कैन टेल यू माई स्मॉल एग्जाम्पल वॉट आई वॉज टू आई यूज टू डू वेन एवर आई यूज टू लर्न इंग्लिश एट दैट टाइम आई ऑलवेज यूज टू टॉक टू माई सेल्फ बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड सर्कल एट माई होम. आई नेवर आई डिड नॉट गेट एनी वन हुम आई कैन स्पीक इन इंग्लिश सो आई ऑलवेज यूज टू स्पीक विथ माई सेल्फ. Whenever I'm driving, when I'm talking, you know, I'm just walking on the road, I'm just sitting in my home, I used to talk to myself. Like if I'm seeing some sentence in Hindi, I always used to talk to myself what, how you can make it in English, like what I can say in English. So this is what I used to do. Definitely you make mistakes. I still make it and I will be making mistakes, but it doesn't matter that ki aap kitna mistake kar rahe ho, aap us cheez ko kitna overcome kar rahe ho, it matters a lot. So you also should do that. Maybe you will get people whom you can talk in English, but some of them I think you would not get people whom you can speak in English. So aap apne aap se baat kijiye, talk to yourself in mirror, talk to yourself in your own mind, read newspapers, it helps you a lot. If you watch movies, watch TV series, I think you can always watch Netflix and other OTT platforms where you can actually see the movie with subtitles, which will help you how and what no, you know how they can make these sentences. So it helps you a lot, and I think you should also do that. What I used to do. Any other question you have, you can also ask me in Hindi and whatever language you are preferable. What is your next goal? Now you are doing your job as a manager. So what is your next goal? See. My next goal is to become a assistant vice president and all. So definitely I will be learning a lot and you know working hard on that to achieve it. I'm working as a manager right now. Hopefully I will be becoming a senior managers or next time manager, general managers and all. So definitely for my next 5 years, my target is to become at least a general manager or AVP. Any other questions you have? Manya, Soumya, Shubham, Juhi ji. I'm sorry, I cannot catch your name, the last one. Okay, sir. Do you never think that you should start your own organization? Means your goal is to become a... Definitely. It always, everyone has this actually, you know, a dream to start their own organization, but how successful we can become, it's a challenge and definitely it's a risk, but yes, definitely it's worth taking risk, I would say. But yes, I have to very calculative. If I'm planning to open my own organization tomorrow, I have to calculate it. And definitely that is in my agenda. But not just not now, but yes, definitely in the next 5 to 10 years, I would be thinking over it. Okay, because many contractors or builders are coming in Jabalpur right now. They are developing new kinds of buildings and they are investing a lot, and they are also collecting the investment from the city only. So that's why I asked that question. Yes, it's a good question actually. Okay. But I would say definitely in Jabalpur or in the say tier 2 cities, there are no organized developers here. So those developers you are seeing, those are unorganized developers. It's very difficult to deal with them, whether you're working for them or you're working with them. I think for next 5 years, we would be seeing the, you know, different changes in the real estate market of Madhya Pradesh. In Bhopal or Indore, I have seen some of the, you know, B-grade developers are coming over there. But definitely it will take more, you know, around 5 to a decade time to get organized developers. Organized developers, I have meant with the developers who are listed in NSE or BSE, just like Oberoi and all. So it will take time, but definitely for next, in next 5 to 10 years, you will be seeing a good developers coming. Anyone else? I think you guys are getting bored here. No? Okay. Any question? Kuch bhi aapko man mein aata hai, don't be shy actually.
टॉकिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में टॉक करना एकदम फ्रिक्वेंटली नहीं कर सकते हम, जैसे हिंदी में कर लेते हैं फटाफट। उसका एक क्वेश्चन, उसका एक रीजन ये है क्योंकि हम हिंदी में ही सोचते हैं और हमारे दिमाग में हिंदी से इंग्लिश को कन्वर्ट करने का एक प्रक्रिया चलती रहती है। हमारे ब्रेन होते हैं, ब्रेन नहीं होते, हम दो ब्रेन होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन एक राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन का काम होता है उसको सोचना और राइट ब्रेन का काम होता है उसको कॉपी करना। तो हमारे माइंड में क्या होता है, हम हिंदी में सोचते हैं और इसको हिंदी से इंग्लिश को ही कन्वर्ट करते रहते हैं। ये मेरे साथ भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता था, जब मुझे भी ये प्रॉब्लम होता था, सोच तो लेते थे उसको बोल पाना मुश्किल होता था। जोई जी, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक सजेशन दूंगा, क्या हम इसको इंग्लिश में ही सोचना स्टार्ट करें? आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करोगे तो उसको इंग्लिश में बोल पाना आसान होगा। इंग्लिश में सोचना आसान कब होगा? जब आप मनी मन ये पूरे टाइम सोचते रहोगे कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है। एक महीना लगेगा, दो महीना लगेगा, आप तीसरे महीने से ना इंग्लिश में सोचना चालू कर दोगे। अब जिस दिन आपने इंग्लिश में सोचना चालू किया ना, वो आपके ब्रेन से आपके माउथ में आना आसान हो जाएगा। आज क्या होता है, कोई हमसे बात करता है इंग्लिश में तो हम उसका रिप्लाई माइंड से दे सकते हैं, बट उसको प्रोनाउंस या फिर उसको बोलना मुश्किल हो जाता है। अरे तो उसको आप कोशिश कीजिए कि हम उसको इंग्लिश में ही सोचे। ओके, ट्राई कीजिए, टाइम लगेगा। ये कब होगा? जब आपके 360 डिग्री में आपको इंग्लिश में आप चीजें देख रहे हो। जैसे मैंने आपको एक पहला सजेशन दिया था, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। दूसरा, आपके लिए सबसे हेल्पफुल है आज OTT प्लेटफॉर्म्स, जो भी इंग्लिश सीरीज होती है, बहुत सारी इंग्लिश सीरीज है, आप उनको देखिए जहाँ पे बहुत इजिली दे प्रनाउंस। बिकॉज हम इंग्लिश सीरीज या मूवीज कई बार नहीं देखते थे, हमें समझ में नहीं आता था वो बोल क्या रहे हैं। आज हम सबटाइटल्स के साथ देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, उससे आपको सेंटेंस मेकिंग आसान हो जाएगा। आपको कितना टाइम हुआ है जोगी जी, आप किस मंथ में है अभी? एक्चुअली बीच में छोड़ दिया था मैंने, 2-3 महीने तो। ओके, जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे ना, तो आपको थर्ड फोर्थ मंथ से आई थिंक सर स्टार्ट कराएंगे आपको सेंटेंस मेकिंग का। जब आपका सेंटेंस मेकिंग स्टार्ट होगा ना, तो ये आपके लिए अपने आप आसान हो जाएगा। मैं आपको एक बहुत आसान बताता हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में, शायद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो उस टाइम मेरा सेकेंड या थर्ड मंथ चालू था, मेरा सेंटेंस मेकिंग स्टार्ट नहीं हुआ था। उस टाइम मेरे दोस्त ने मुझसे एक छोटा सा सेंटेंस पूछा था कि सेंटेंस कैसे होता है। जैसे हमें सर बताते हैं कि सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता है, वो भी मुझे नहीं पता था। आई कैन टेल यू दैट एंड प्राउडली आई कैन टेल यू कि मेरे साथ हुआ था, मेरे दोस्त ने मुझे पूछा था, मुझे नहीं पता था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें नहीं पता होती है, उसका कोई समय सीमा नहीं होती है कि हम कभी सीखना चाहते हैं। ऑब्वियसली मुझे लगता था मैंने लेट कर दिया, बट ऐसा कुछ नहीं है, उसका कभी कोई लेट नहीं होता है किसी भी चीज के लिए। आज नहीं, कल नहीं, परसों सीखेंगे, पर सीखेंगे जरूर। तो सीखने की चाह हमेशा बनाए रखिए, ऐसा नहीं है। और डेफिनेटली बेस्ट ऑफ लक यू गाइस, आई थिंक यू विल बी डूइंग गुड। और जो भी आप कर रहे हैं, वेदर यू आर स्टार्टिंग, वेदर यू आर हाउसवाइफ, वेदर यू आर वर्किंग, डेफिनेटली यू विल बी डूइंग good in your career. Anyone else wanna ask? Thank you. बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं चाहता हूँ कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे यही इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जो सबसे ज्यादा चूज रहे हैं, बिकॉज हमने और मैंने भी ये चीज देखा है। So I have gone through all these things what I have, you guys are going through. तो मुझे पता है कि हमने कितना उसको सहा और उससे कैसे निकल सकते हैं, बट मैं आपको एक हेल्प कर सकता हूँ। बाकी डेफिनेटली सर आपके साथ है तो आपको ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। कुछ और कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? एनी क्वेश्चंस? एक्चुअली भैया, आई कैन राइट द थिंग्स वेल, आई मीन आई एम गुड ऑन पेपर, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक इन अ फ्लुएंट वे, देन आई नो, यू नो, आई एम लाइक ब्लैंक, आई डोंट नो व्हाट शुड आई से और समथिंग लाइक दैट। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप मे बी इंग्लिश मीडियम से, इसलिए आप बहुत अच्छे से लिख पा रहे हैं, राइट? उसको बोलने में वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज हम उस चीज को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे माइंड में। आप अभी भी हिंदी में सोच रहे हैं और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने में आप टाइम लगा देते हैं, और जब तक आप उसको कन्वर्ट करते हो, आपका कॉन्फिडेंस वहीं चरमरा जाता है। मेरे साथ यही होता था, मैंने MBA अपना इंग्लिश मीडियम से किया था। मेरा जब फर्स्ट सेमेस्टर था, मैं इंग्लिश बहुत अच्छे बोल लेता था, बट लिख नहीं पाता था, मेरे नंबर्स नहीं आए थे। यही रीजन था कि मैं इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता था, बट लिख नहीं पा रहा था। जो आपके साथ उल्टा हो रहा है, आप बहुत अच्छे से लिख पा रही है लेकिन बोल नहीं पा रही है। तो यहाँ पे यही होगा, आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली आप 1 या 2 महीना आप लगाइए, आप उस चीज से निकल पाएंगे। आपके लिए अच्छा है कि यू नो इंग्लिश समवेयर और दी अदर, यू नो इंग्लिश, बट इट जस्ट लाइक यू आर नॉट एबल टू स्पीक अप, राइट?
So you will be doing it. Just you start thinking in English. जितना ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आप इंग्लिश बोल पाएंगे. वो प्रैक्टिस है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, बस और कुछ नहीं. और कुछ? एनीवन एल्स? ओके गाइस, सो आई एम साइनिंग ऑफ हियर. आई विल जस्ट आस्क सर टू कंटिन्यू विद यू एंड होपफुली वी विल मीट अगेन. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. I'll ask her to join up. दोस्तों, आप आज थोड़ा सा कुछ डिस्कशन कर लें, मैं थोड़ा समय इसके साथ बिता लूं. Does anybody remember his name? Yes, sir. I remembered his name. सर, ही इज अक्षय. अक्षय, अक्षय जैन. अक्षय जैन. जूही जी का सवाल जो था उसने अपने स्तर पे उसका बेहतर जवाब दिया, लेकिन जूही जी के मन में अभी भी होगा कि कैसे सोचे, इंग्लिश में सोचे कैसे. यस सर. तो उस जवाब को मैं पूरा करता हूँ. एक्चुअली मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपके ऊपर. आप प्रोसेस को ध्यान से देखें. मैं पहले आइडेंटिफिकेशन लिखवाता हूँ, फिर फॉर्मूला, फिर बोलता हूँ कि पहला राउंड शुरू होगा आई से और आपको एक वर्ब रखना है. आप थोड़ा सा सोच के देखिए, उस समय आप हिंदी में कतई नहीं सोच रहे होते. आप एक वर्ब ढूंढते हैं और आप उठा के रख देते हैं, कहीं से सॉरी की आवाज आ जाती है तो पता चलता, अच्छा प्रपोजिशन नहीं लगाया, अच्छा आर्टिकल नहीं लगाया, अच्छा ऑब्जेक्ट नहीं लगाई तो सकर्मक क्रिया थी, ब्ला ब्ला ब्ला. आप हर बार आगे देखिएगा इस पॉइंट को कि हमने आपकी अंग्रेजी में सोचने की प्रक्रिया को स्विच ऑन कर दिया है. बहुत पहले कर देते हैं, कैन चैप्टर से उस प्रक्रिया को स्विच ऑन कर देते हैं. उस समय आपके सामने केवल फॉर्मूला होता है, फिर हम आपसे बोलते हैं चलिए सब्जेक्ट बदलिए, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन उस समय सब्जेक्ट बदलने में चला जाता है. आप वर्ब सोच लेते हैं, एक सब्जेक्ट सोचते हैं और फिर आप सेंटेंस बोलते हैं, तो कई बार किस्मत से एकदम सही हो जाता है, कभी कभी बदकिस्मती से गलत हो जाता है, प्रपोजिशन या आर्टिकल नहीं रहता है. अब एक और अच्छी सी चीज, आप क्लास के बाद अलग से फोन लगा के मान्या से बात कीजिएगा. प्रेजेंट सिंपल की सिंगुलर नंबर की स्पीच देने के बाद मान्या ने कुछ फील किया या नहीं, मैं नहीं पूछूंगा अभी. और यहाँ पे केके जो है वो सीनियर है, आप चाहें तो थोड़ी देर अभी केके से बात करें. कि आपको बड़े विस्तृत रूप में बताएगा कि किस किस स्टेज पे कहाँ कहाँ कैसा कैसा परिवर्तन उसने महसूस किया. आप चाहे तो पूनम से बात करें, क्योंकि पूनम सीनियर बैच में है. तो हमें यहाँ ये भी देखना होगा कि अब जैसे ये बंदा है बॉम्बे में रहता है, डेफिनेटली इंग्लिश में सबसे बातचीत करता होगा फील्ड में,
ऑफिस में, तो वो इंग्लिश के एटमॉस्फेयर में ज्यादा है मौजूद। लेकिन उसने आपको साफ साफ बताया कि जब वो जबलपुर में था तो जिस क्षेत्र में वो वहां रहता था वो हम अच्छे से जानते हैं, के अच्छे से जानता है कि उस मोहल्ले में इंग्लिश बोलने वालों को एलियन समझा जाता और ये अंग्रेजी बोल रहा हूं। तो अच्छे के लिए आसान नहीं था। अब हो सकता है वो बहुत अच्छे से आपको डिटेल नहीं बता पाया हो, लेकिन आज वो जिस तरह से इंग्लिश बोल रहा है उसने अपने एक्सेंट को डेवलप किया है। चलिए हम थोड़े दो दो सेंटेंस आपके मुंह से निकलवाते हैं। गिव मी अ लिटिल फीडबैक अबाउट अक्षय, हु विल स्टार्ट? Should I? Really, I feel nice to meet with him, and he was speaking very fluently. And one thing which came in my mind that actually surrounding is also very important, because he was speaking very nice and fluent English because of Mumbai. Because earlier and whatever he has given us suggestions was also very helpful to us. I think we should also follow the those suggestions who he gave to us. Okay, sir. Should I? Sir, firstly, his hard work gave him a good result, according to me. And thereafter, he is living in a metro kind of city. So definitely, he is having the culture or his society mates like them. Because I saw in many movies, people generally speak English in metro cities. Means they are because one of my cousin, he is living in Nagpur, so he always try to convince me in English, but I hate him because he generally start from English. Means sometimes it is looking like a show off. Means when we are sitting with our family members and you are doing like. So yes, ma'am. First, after you, you complete. Okay. And meanwhile, because he's working for, kya bolte hai? Actually, I'm not remembering that word. Means he is working for real estate company, where the most of the time the clients are coming in real estate to buying, they are more literate. Means who will go to buy the house? So in metro cities, most of the times the person who is earning a lot, they are just going to them to buying the flats or generate the deals. So his atmosphere is also giving him good things, and he's an MBA guy, sir, so definitely he's learned so many things finally in his post graduation, sir. So that's all about him, and his name also Akshay, jiska chain ho there, sir. So he was talking very nicely. It was not like heard his voice. I cannot imagine that he was from Hindi medium.
And one more thing, he has said na ki he didn't get good marks in MBA because of that he was earlier he was from Hindi medium, but it also shows that ki marks are not important, your presentation is more important. Now he is doing good job. Many illiterate people ruled all over the country many times. Like Akbar was illiterate, Alauddin Khilji was illiterate, and there are so many examples. They never learned anything, but the real experience taught them good things. There is only king in India jiske aage da lagta hai, that is Akbar, who was illiterate. See, education means not only letters or akshar you learn. Education is also more, means your moral values and all that you are, good. If you are a good human, that is also the part of education. Yes, only you can read English or Hindi or any kind of language is not the education. So... to become success, you should educate from all over the things you which are surrounded you. Yes, ma'am. I agree with you. Very nice. I have written here, one poster is here, and maybe you are not able to see. I read it. अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो, यदि इसमें सफल हो गए तो हर काम में सफलता मिलेगी. अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो, अगर इसमें सफल हो गए तो हर काम में सफलता मिलेगी. दिस पोस्टर इज हियर अवेलेबल, मे बी यू कैन नॉट सी इट, बट इट इज हियर, इट इज नॉट विजिबल. That's why I read it. I agree with you, Poonam. And sir, we belong. Sir, we belong that nation who teaches us to learn from the ants as well. Means our teachers were. Our ancestors were very broad-minded. Means they always talk about the universe. They never talk about the nation. Means they always talk about the welfare of the universe. Means if we talk about our Hinduism, we always pray for the universe. Vishwa ka kalyano. We never say Bharat ka kalyano. So that is also a good thing. Means what we learn from our culture, religion, or whatever is the society. So Vasudhaiva Kutumbakam. Yes, sir. Vishwa hamara sahaya. Yes, sir. Our Vedic culture was totally different earlier. Means that the education system what we adopted by the Britishers. That is a little bit different from our cultural knowledge. But right now, that is only required. That is only required, sir. By that, we can run our life. So we have to adopt it. We have to follow it. And as society molds man, so that is our necessity, sir. Next. In this pretense, speak something. Who is ready to give the feedback? Sir,
sir, I don't know, but I truly think, means if I also go to deliver a speech, I observe myself ki I am taking their time and somebody is coming before me to deliver his speech or is sharing his experience. So I again think he is taking my time. Means that is literally the truth which came from me. मुझे हमेशा से ऐसा लगता है बट देर आर सो मैनी गुड थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम देम बट द रियलिटी इज दैट समटाइम्स आई थिंक दैट इज वेरी बोर्ड काइंड ऑफ थिंग मींस ऐसा मुझे पर्सनल लगता है आई एग्री विथ यू एंड वन थिंग वॉज गुड विथ अक्षय He concluded very quickly. Yes, sir. Some of our seniors you talking about, they take so much time. But Akshay did not do it. Sir, he is from Mumbai. Na? Mumbaians are very fast in every... They are fast in every work, everywhere. I'm asking you about feedback, or you can say we are just speaking, right? Our short-term goal is to speak fluent English. So this is a good topic here. Seniors' presence creates a spark in you. Senior's presence ignites you. Ignition, you know, guys, in your scooty, Activa, car, ignition on. So senior's presence ignites you. आपके अंदर एक आग लगा देती कैन से और जोश पैदा कर देते हैं सर आई लर्नड वन गुड थिंग फ्रॉम हिम ओटीटी means he was using again and again so I searched it and the meaning of that thing is over the top means I was not aware about it means I know that description coming on the videos but he was using OTT so the full form was over the top in cinema terminology sir This thing is also very good thing, KK. I also heard this word from his mouth and I was thinking, what is he using? And you searched it immediately. This is a very good habit of improving your vocabulary. Even sir, he whatever he speaks, he was spoke in English, na? He translated it into Hindi also. Juhi ji, there is one more example. Day before, Manya delivered her speech in presenting a singular number. So when she was delivering a speech. She was not thinking in Hindi. You can ask her. So I accept this thing, Juhi ji. You know, I am also throughout Hindi medium student. So our brain is programmed to copy and paste. Firstly, Hindi comes here,
then we translate into English. This is our process of Hindi medium, guys. But as you watch your kids, they think in English. I'm giving you a small example. Sometimes to remove this confusion, I give this example. हाथी सड़क पे से जा रहा है. दो बच्चे खेल रहे थे आपस में, दोनों अच्छे दोस्त हैं. एक हिंदी मीडियम का है, एक इंग्लिश मीडियम का है. अचानक हाथी वहां से जाने, वो पैसे मांगने नहीं आते हैं, हाथी को लेके आते हैं. तो हिंदी मीडियम वाला बोलता, अरे देख देख गुड्डू, हाथी हाथी हाथी. तो बोलता, नो नो नो, दिस इज एलिफेंट, दिस इज एलिफेंट. बोलता, नो दिस इज हाथी, नो दिस इज एलिफेंट. दे फाइट विद ईच अदर. So, हमारी ब्रेन को क्या आदत है, जैसे हमें सिखाया गया है बचपन से कि बेटा ये मग्घा है, इसको इंग्लिश में जग कहते हैं. इट इज टायरिंग प्रोसेस. पहले हमारे दिमाग को दिमाग में बिठाना पड़ता है ये मग्घा है, इसको इंग्लिश में जग कहते. But what happens with English medium, guys? This is elephant. That's all. And Hindi medium, beta, ye haathi hai, isko English mein elephant kehte hain. Brain works a lot. Ye haathi hai, isko English mein elephant kehte hain. Ye haathi hai, isko English mein elephant kehte hain. Brain has to work much. So when we, and you know that one day you will automatically think in English, this is for sure, if you are regular in this class. Again I will say, bakre ki amma kab tak khair manayegi. So, and you know, it is very good thing. I always say कि इस क्लास में आप दर्शक बन के नहीं बैठ सकते, क्योंकि दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई. आपको सेंटेंस बनाना ही होगा. You will have to make sentence. If you are present here, you will have to speak. You cannot be mute. The round will go on and go on and go on and go on, and your chance will come. You once you can say pass, twice you can say pass, thrice you can say pass, but finally you will have to make one sentence. And during this session, when we restarted with Manya, then Jariji joined, I have made some changes, if you are noticing it. Now you are asking, what is the verb for Atmasat Karna? Everything you are doing. Earlier I used to do it, but now you are doing. Means your involvement is increased. Then now you can see, Juhiji, last time when you joined, this sentence, if you attend any new batch, Juhiji, you will find they get problem to speak this. But now you are speaking it. Now, it has been a piece of cake. चलिए आज का इंटरेक्टिव हम आपको देते हैं. केके, it's new for you.
Yes, sir. What is the spelling of peace? P-E-A-C-E. Piece of cake. Achha, sir, P-I-E-C-E. It is a piece of cake. P-I-E-C-E. Poonam, ask first a related question to somebody. Manya, which chapter does this sentence belong? This sentence belongs to present simple. Sorry. That sentence. This sentence belongs to be present. Soumya, what is the subject in this sentence? It you is the subject in question. This. You are missing one question, one related question. Meanwhile, you have to ask the category, I think. Okay. Poonam Didi, what is the helping verb in this sentence? There is no helping verb in this sentence, Soumya. What is in this sentence, Julie? Is the main verb in this sentence? What is peace in this sentence, sir? Ki piece of cake. Money. What is A in this sentence, Manya? Sorry. A. A is an article in this sentence. A is an article in this sentence. Okay, Kibia, what is peace in this sentence? Ma'am, peace is the noun over there. Poonam, what is off over there? Off is the preposition. What is cake? Soumya? Cake, I think. Cake is a noun. Can anybody guess the meaning? Sir, can I try? So it's a piece of cake is meaning is a just is a small thing. Anything is a small for us. Means aapke liye baaye haath ka cake. Yes. Start creativity. Subject. Let's start with changing the subject. KK, would you start changing subject or Poonam? Yes, sir. To make the chapati, making chapati is a piece of cake for ladies. रोटी बनाना महिलाओं के लिए बाएं हाथ का खेल है इट्स माय ड्रीम स्पीकिंग इंग्लिश
is a piece of cake for me. ये मेरा सपना है कि इंग्लिश बोलना मेरे लिए बहुत ही आसान है. ये सेंटेंस कोई बना के बताओ ना बेटा. इंग्लिश बोलना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाए. Can I try? If we are confident, so speaking English is a piece of cake. Speaking English may be a piece of cake for me. It will do. English. Practice makes a man perfect. So by practice, English is a speaking English is a piece of cake. Okay, I'm making this sentence. Speaking English should be a piece of cake for me. काश इंग्लिश बोलना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाए. शुड इज रियली नाइस चैप्टर. केवल राधा छाप इंग्लिश की तरह ना देखें, चाहिए 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 ना रखें, तो शुड इज गुड. सर प्लीज कम अगेन. सर रिपीट that sentence. Speaking English should be a piece of cake for me. Okay, thank you, sir. English bolna mere liye baaye haath ka khel ho jaye. I dream English speaking should be a piece of cake. I dream. I am giving you one more interactive and concluding the class. You will be happy after getting this interactive. And you can leave one line for idiom. One more interactive, of course. Is it visible to you? Yes, sir. That is visible to us. Keke, that you, is visible. You already know this, so please let them try to guess. Yes, sir. Shayad. Poonam, have you got this interactive sentence? No, sir, I did not. Sorry, sir, I haven't got it, but I know aisa ho jaye. So, be it. Tathastu. And you can write down the easy meaning. You guys have heard this Hindi word so many times in the serials Ramayana and other religious serials. So you can write down the Hindi meaning in bracket as Poonam said, aisa ho jaye.
So generally, gods use this interactive sentence. Now I am concluding the class, and you can make some. Yesterday you have made nice sentences, and Juhi ji also tried very nicely to answer and to make some questions. It is good, and I hope somebody will deliver present simple singular number speech tomorrow. Yes, sir. I am. Speech tomorrow. जी जी, after every speech, आपके बस जो सारे मन में चल रहे हैं ना, ऊहा पोह, वो अपने आप उस सीढ़ी पे आप चढ़ते जाइए, उस लक्ष्य आपके निकट आप पहुंचते चले जाएंगे. But ये should be prompt, थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा. Thank you for joining. God bless you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.